अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय व्लॉग। तो कैसे आप सब, होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद निकली है धूप। ठंड लग रही है लेकिन धूप है ना तो थोड़ा सा कम लग रही है। और ये हमारी मुर्गियाँ वगैरह भी टहल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। धूप आते ही ना सब अपना अपना बेड छोड़ के, ब्लैंकेट छोड़ के बाहर आ गए धूप लेने के लिए। तो थोड़ा सा मौसम जो है वो आज अच्छा रहा। तो चलिए मौसम का एंजॉय करते हैं। मैं किचन में आ गई, मुझे कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था तो यहाँ पे मैंने एग सैंडविच बनाया और यहाँ पे फटाफट से मैंने ऑरिगेनो वगैरह डाल दिया। मुझे सैंडविच में ना ऑरिगेनो का फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिज्ज़ा फ्लेवर देता है। और यहाँ पर मैंने ढेरों सारी मेयोनीज डाली और इसको अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना लिया। तो यहाँ हमारी सैंडविच जो है वो तैयार है, बस इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी है, तो कौन कौन खाना चाहेगा, आ सकते हैं आप सब भी। तो ये रही हमारी ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय, यानी कि दूसरी चाय, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद जो हम पीते हैं। और ये रहा हानिया के लिए, यानी कुछ मांग रही थी तो बस मैंने ये नमकीन दे दी। तो बस इसको फिनिश करने के बाद मैं किचन में आ गई और तैयारी करनी है मुझे आज दोपहर के खाने की। तो यहाँ मैंने बट को धुल के रख लिया है, हल्दी अदरक लहसुन धुलने के बाद हल्दी अदरक लहसुन और नमक मैंने बॉयल कर लिया इसलिए इसका कलर ऐसा आ गया है। तो बस आप क्या कहते हैं इसे, मैं तो ओजरी कहती हूँ, बट कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने यहाँ तैयारियाँ जो हैं वो पहले करके रख दी थी। और जो भी मुझे बनाना होता है अगर, तो मैं ना थोड़ी बहुत तैयारियाँ रात में भी करके रख लेती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा है या फिर कुछ मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी तैयारी ना रात में करके रख लेती हूँ, जिससे थोड़ा ना वो ईजी हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कट करके रखा हुआ था और इसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन भी डाल दिए और यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्राई हो गया और हमने ये बट को डाल दिया। इस बट का कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने इसे हल्दी डाली है, हल्दी में बॉईल के, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और आप लोग इसे खाना पसंद करते हैं या नहीं, मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद है लेकिन मुझे घर में सब शौकीन हैं, खाते हैं। तो यहाँ तो ये रेडी हो गई है बट, तो बस इसे मैं तैयार कर लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। और मुझे और भी तैयारी करनी है, मुझे बनाना है फ़िश। फ़िश की तैयारी मैंने रात में कर ली थी, पापा लेके आए थे, मैंने कहा था ऐसे मुझे होल फ़िश फ्राई करनी है तो इस तरीके के पूरे फ़िशेज़ वो ले आए थे। तो बस मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था रात ही में ताकि सुबह ना, मैरिनेशन आप पहले ही कर लो अगर कुछ फ्राई करना है, चिकन है या फ़िश है, तो वो अच्छा थोड़ा सा अलग ही जायका आता है और थोड़ा जो उसका गोश्त होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ मेरी फ़िश भी जो है वो फ्राई हो गई, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी दिख रही हैं। तो बस चलें मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।